हेलो मेरे क्लास एट के प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आई नो आप सब अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का सेकंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं जो की इस एक्सरसाइज में हमें यूज करने हैं सबसे पहले बच्चों प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि किसी भी नंबर का जब रेपिटेड मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसे हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं एग्जांपल देख लेते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस टू को हम फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे टू इंटू टू इंटू टू इंटू देखो फाइव टाइम्स टू हो गया इसे हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लिख देते हैं टू रेज टू दावर 5 क्योंकि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है राइट right? 10 टाइम्स यदि 2 मल्टीप्लाई होता तो हम एक्सपोनेंट में जहां 5 लिखा है वहां क्या लिख देते 10 लिख देते तो ये हमने देखा था कि ये जो 2 है जो नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है वो हमारा बेस कहलाता है और ये जो नंबर है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं और दोनों को मिला के जो नंबर बनता है टू रेस टू दी पावर फाइव इसे ही हम क्या कहते हैं इसे हम पावर कहते हैं तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई बच्चों जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था जब हम एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन कर रहे थे है ना अब एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू में हमें कुछ बहुत ही छोटे नंबर्स या कुछ बहुत ही बड़े नंबर्स को पावर्स के फॉर्म में लिखना है जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को और अच्छे से यदि मैंने लिखा जीरो पॉइंट जीरो 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 सेवन तो ये एक बहुत ही छोटा नंबर है बच्चों कैसे देखो डेसिमल uh, के बाद के नंबर हम काउंट करते हैं कितने नंबर है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नंबर है डेसिमल के बाद कितने नंबर है सेवन नंबर है तो यदि हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो सेवन हमने ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं और डेसिमल की जगह डिनोमिनेटर में वन पुट करते हैं और कितने टाइम लगता है तो इसीलिए हम इसे पावर के फॉर्म में लिख देते हैं जिससे कि इजी टू रीड हो जाए और थोड़ा फास्ट भी हो जाता है तो यदि हमने इसको पावर के फॉर्म में लिखना है बच्चों तो कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं सेवन इन टू टेन अब

है ना तो ये डेसिमल हमारा कितना मूव हुआ होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और क्या आपको मालूम है सेवन के बाद डेसिमल लगा के जीरो लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है तो हम सिर्फ सेवन लिखते हैं और क्योंकि हमने डेसिमल को कि, किस तरफ शिफ्ट किया राइट right में शिफ्ट किया कितने टाइम्स शिफ्ट किया सेवन टाइम्स शिफ्ट किया पहली चीज याद रखने की ये है कि जब हम राइट में शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो पावर जो है वो नेगेटिव सॉरी एक्सपोनेंट जो रहता है वो नेगेटिव आता है और जितने टाइम्स हमने इसको शिफ्ट किया यहाँ एक्सपोनेंट में वो नंबर लिख देते हैं हमने कितने टाइम शिफ्ट किया सेवन टाइम्स शिफ्ट किया तो सेवन आ जाएगा माइनस सेवन आ जाएगा टेन की पावर में तो ये जो मैंने फॉर्म लिखा यही हमारा क्या हो जाता है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और ये जो था ये हमारा जनरल फॉर्म था तो ये तो हमने देख लिया कि किसी छोटे नंबर को किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अब एक बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं तो ले लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह सेवन जीरो नहीं एट जीरो करोड़ आएगा ना ये ये और ये यस एट्टी करोड़ आ रहा है अब देखो अगेन वही बात है रीड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और जीरो यदि मिसप्लेस हो गया तो पूरा का पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा है ना तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे अच्छा होता है अब इसे यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे सिंपली जो नंबर है उसको नंबर एज इट इज लिखते हैं एट है एट एज इट इज और कितने है टेन लगाया हमने अब देखो डेसिमल जो है वो अब यहाँ है यहाँ डेसिमल है हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ डेसिमल है डेसिमल को शिफ्ट करके हम एट के यहाँ पे ला रहे हैं तो कितने लेफ्ट में ले जा रहे हैं हम डेसिमल को देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टाइम्स हम डेसिमल को किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं अब जब लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट होता है बच्चों तो एक्सपोनेंट जो रहती है वो पॉजिटिव ठीक यही याद रखने की है जब हम राइट right में शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगी और जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी कितनी पॉजिटिव आएगी एट जीरोज है तो यहाँ सिंपली हमारा एट आ जाएगा ओके okay, यही बेसिक बातें हमको यूज करनी है इस पूरे हमें पूरे एक्सरसाइज एक्सरसाइज हमें में जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसीलिए ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको क्लियर कर दी अब हम फटाफट से पूरी एक्सरसाइज को इजिली कर सकते हैं बच्चों अब देखो आपको एक्सरसाइज तो बहुत ही ईजी लगेगी ये ले लिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो देखो यहाँ पे हमें जनरल फॉर्म में दिए हुए नंबर इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो चलो कर लेते हैं समझ में तो आ ही गया है है ना तो देखो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला देखो डेसिमल को हमें किस तरफ शिफ्ट करना है डेसिमल यहाँ पे है तो हमें राइट right में शिफ्ट करना है अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से राइट right में जब हमको डेसीमल शिफ्ट करना रहता है तो हमारा एक्सपोनेंट जो रहता है वो नेगेटिव रहता है और जब लेफ्ट में शिफ्ट करना रहता है तब हमारा एक्सपोनेंट क्या रहेगा पॉजिटिव तो यही याद रखना है बस बेसिकली तो यहाँ देखो यहाँ क्या नंबर है 85 है बच्चों हमेशा हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देते ओके एट पॉइंट फाइव यहाँ पे लेके। तो यहाँ पे पॉइंट हमने एट के बाद लगाया है हाँ ना कितने नंबर हमने डेसिमल को कितने नंबर शिफ्ट किया एट तक शिफ्ट किया एट के बाद तक तो काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टाइम्स हमने शिफ्ट किया मल्टीप्लाई करके 10 की बहुत इजीली आपको क्वेश्चन बनेगा आप पॉज करो और जल्दी जल्दी आप खुद करो और उसके बाद देखो आपने सही किया है कि नहीं प्रैक्टिस okay? करोगे तो नेक्स्ट वाला मैं करके देती हूँ आई होप आपने कर लिया होगा अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके आंसर्स करेक्ट है कि, okay? यहां देखो सेकेंड वाला नाइन के बाद मैंने जैसे कि बोला एक नंबर के बाद हम डेसिमल को प्लेस कर देते हैं तो नाइन पॉइंट फोर टू हो जाएगा मल्टीप्लाई में टेन की पावर अगेन देखो नेगेटिव आएगा एक्सपोनेंट क्यों क्योंकि हमारा बहुत ही छोटा नंबर है ना डेसिमल को हम राइट में शिफ्ट करने वाले हैं तो देखते हैं कितने टाइम्स हमने राइट में शिफ्ट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टाइम्स तो यहाँ पे भी अगेन माइनस ट्वेल्व हो जाएगा ओके इजी नेक्स्ट नेक्स्ट वाला वाला देख ले अब देखो वाला हमारा फिगर डिजिट है अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि डेसिमल हमारा लास्ट में है जैसे कि मैंने आपको समझाते वक्त बोला है, है तो नंबर, नंबर सिक्स तो के बाद हम डेसीमल लगाएंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू है हमारा तो हमें नंबर तो पूरे लिखने okay? यदि पूरा जीरो 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 होता तो हम सिक्स लिख के छोड़ देते लेकिन हमारा टू भी है तो यहां जहां तक नंबर है उसको पूरा लिखनेट जीरो टू लिख दिया अब हम टेन की पावर में यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या आएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा क्यों क्योंकि हमारा लेफ्ट की डायरेक्शन में डेसिमल शिफ्ट हो रहा है है ना तो इसको भी काउंट कर लेते हैं क्या है क्या आ रहा है सीरीज तो ना गंदा तो गंदा हो गया अब देखो कितने कितने डेसिमल को हम कितने नंबर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन

अब नेक्स्ट वाला देखो बिगर डिजिट है अज्यूम करेंगे कि यहाँ डेसिमल है तो पहले क्या लिख देंगे देखो ये चार नंबर्स है थ्री पॉइंट वन एट सिक्स लिखना जरूरी टेन की पावर में क्या आ जाएगा डेसिमल हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टाइम्स शिफ्ट करें तो टेन की पावर में टेन आ जाएगा ओके इजी बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन बच्चों जब हमें हमें बेसिक क्लियर होता है अब देखो यहाँ पे यूजुअल फॉर्म में लिखना है मतलब हमें

इतने टाइम्स हो जाएगा अब देखो जब हमको डेसिमल शिफ्ट करना होगा तो हम किस तरह डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव था क्योंकि है ना तो यहाँ पे कितने टाइम्स डेसिमल शिफ्ट होगा सिक्स टाइम्स डेसिमल शिफ्ट होगा तो थ्री तो लिख दिया हमने एक एक वन टाइम शिफ्ट हुआ थ्री के आगे डेसिमल आया अभी भी नंबर तो चाहिए हमको तो क्या लगाते हैं जीरो लगाते हैं यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम सिक्स टाइम हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया अब बाकी जो नंबर बचे हुए उन्हें लिखना जरूरी है तो ये जो हमारा जनरल फॉर्म वाला नंबर हो जाएगा जनरल फॉर्म वाला नंबर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो समझ में आया कैसे करेंगे अब नेक्स्ट वाला देखो नेक्स्ट वाले में तो अच्छा है पॉजिटिव है तो देखो ये फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर फोर है तो इसका मतलब क्या हो रहा है फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन फोर टाइम्स जीरो हमें मालूम है डेसिमल को राइट right में शिफ्ट करना है कितने टाइम शिफ्ट करना है four time shift करना है। तो डेसिमल को फोर टाइम शिफ्ट करते हैं लिख दिया मैंने decimal four के बाद में है, याद रखना तो एक कर कर लेंगे, एक count कर लेंगे। है ना? ये और कितने जीरो फाइव का एक काउंट कर लिया बचे कितने जीरो है? बचे हैं थ्री बचे हुए हैं तो यहाँ वन टू थ्री थ्री जीरो लग जाएगा अब आप देखो एक तो नंबर हमारा फाइव है ना है ना तो एक फाइव का काउंट किया और फाइव का काउंट किया तो फोर में से फाइव गया तो थ्री बचे तो कितने जीरो इजी okay? अब इसी को एक और तरह से हम समझ सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों तो एक और जीरो लगा दिया हमारे चार जीरो है तो हमने चार जीरो लगा दिया एक नंबर के आगे डेसिमल है तो यहाँ एक नंबर के आगे डेसिमल लगाया तो ये डेसिमल के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता अल्टीमेटली यू आर गेट गोइंग टू गेट द सेम नंबर फोर्टी फाइव थाउजेंड ही आपको मिलेगा ओके okay? तो आपको जिस तरह से समझ में आएगा जो इजी मेथड लगेगा आप उस तरह से कर लेना नेक्स्ट वाला देखो नेक्स्ट वाले में क्या है टेन की पावर माइनस एट है तो कितने टाइम्स डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा टाइम्स इंक्लूडिंग थ्री थ्री को भी हमको इंक्लूड करना है क्योंकि तो के बाद अभी जीरो डेसिमल uh, है, है ना करते हैं तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस एट है तो हम पहले थ्री लिख देंगे ठीक पहले हमने थ्री लिख दिया तो एक तो हमारा थ्री वाला काउंट हो गया डेसिमल एट है एट में से थ्री थ्री वाला एक काउंट हो जाएगा तो सेवन बचा तो कितने जीरो लगा के उसके आगे डेसिमल तो ये हो जाएगा हमारा क्या जनरल फॉर्म थ्री इंटू टेन माइनस एट का ओके okay? नेक्स्ट वाला देखो नेक्स्ट वाला यहीं पे कर लेते हैं कितना नंबर है पहले वो लिख लेते हैं वन जीरो 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 वन अब डेसिमल के बाद के नंबर्स काउंट करो कितने चार है तो इसमें से पावर में से चार माइनस कर देते तो कितना बचा फाइव बचा अब हमको फाइव टाइम्स कितने टाइम्स जीरो लिख देने क्योंकि चार तो हमने इसी में काउंट कर लिए किसमें ये जो नंबर्स लिखे हैं one, two, three, four, और मैंने एक ज्यादा जीरो लिख दिया क्या हाँ यहाँ ज्यादा जीरो लिख ए, ये ये नंबर है तो फोर तो हमारे नंबर्स के ही काउंट हो गए वन टू थ्री फोर और बचे कितने जीरो नाइन में से फोर गया तो फाइव बचे तो फाइव जीरो लगा देंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक समझ में आया नेक्स्ट वाला देखो नेक्स्ट वाले में टेन की पावर ट्वेल्व है देखो माइनस में नहीं है ट्वेल्व पॉजिटिव है तो मतलब डेसिमल हमारा राइट right में शिफ्ट होता जाएगा यहाँ फिफ्टी एट तो ये एट है डेसिमल के बाद एक एट है तो इसका वन कैंसिल किया तो कितना बचा इलेवन बचा तो कितने जीरोस आ जाएंगे इलेवन जीरोस लगा दे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन जीरोस लगा ओके okay, समझ में आ रहा है लास्ट लास्ट वाला देखो ये भी अगेन पॉजिटिव में है तो हमारा डेसिमल राइट right में शिफ्ट होता जाएगा पहले तो पूरा नंबर लिख देते हैं देखो तो कितना बड़ा नंबर है थ्री सिक्स वन फोर नाइन टू है तो देखो कितने नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव नंबर तो यही आ गए पावर में से हम कितना माइनस कर देंगे फाइव माइनस कर देंगे तो कितना बचा सिक्स माइनस फाइव विल बी वन है ना तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे वन जीरो आ जाएंगे जितने नंबर हैं उनको तो पहले हमको काउंट कर ही लेना है उसके बाद यदि डेसिमल uh, और ज्यादा शिफ्ट करने की जरूरत है तब हम क्या लगाते हैं जीरो लगाते हैं ओके यदि पॉजिटिव की कहानी है तो इस तरह से हमें क्या करना है यदि हमें जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ओके आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है देखो एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स अब ये जो नंबर दिए हैं इन्हें हमें किस में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म में दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पहले वाले से स्टार्ट करते हैं पहला वाला दिया है वन माइक्रोन इज इक्वल टू वन अपॉन वन जीरो 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 टेन लैक दिया है वन के नीचे तो पहले हम इसको लिखेंगे कैसे देखो ये फर्स्ट वाला जो दिया है वन अपॉन कितने जीरो फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स तो मतलब क्या हो गया वन अपॉन टेन की पावर में क्या है सिक्स है तो ये जब डिनोमिनेटर में टेन की पावर सिक्स है तो ऊपर न्यूमिनेटर में जाता है तो नेगेटिव हो जाता है ये तो हमें मालूम है ये वन इंटू टेन की पावर क्या हो जाएगा माइनस ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नेक्स्ट वाला देखो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो पॉइंट अब काउंट करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और वन को भी वन मैंने बोला सिक्सटीन है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगता है तो 1 तो 1.6 लिखेंगे को भी हम काउंट करेंगे तो कितने नंबर हमने शिफ्ट किए नाइनटीन नंबर शिफ्ट किए क्योंकि ये बहुत ही छोटा नंबर है तो पावर क्या होगी नेगेटिव पावर होगी है ना जिसे हम कैसे लिख सकते हैं पहले वन सिक्स लिख दिया हमने क्योंकि 16 दिया हुआ है और एक नंबर के बाद डेसीमल मल्टीप्लाई में टेन की पावर में हमने कितना काउंट किया नाइनटीन लेकिन क्या माइनस नाइनटीन क्यों क्योंकि बहुत ही छोटा नंबर है डेसिमल को हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं ओके okay, समझ में आया नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखे, वाला फाइव दिया, तो दिया है तो फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन तो आएगा ही और क्योंकि हमारा डेसीमल uh, राइट right में शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव तो आएगा ही आप काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हमने शिफ्ट किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम्स माइनस जाएगा इजी नेक्स्ट वाला देखो क्या है plant, uh, है है साइज ऑफ़ अ प्लांट सेल इज़ जीरो चार और नंबर कितना अब देखते हैं हैं डेसिमल कितने पॉइंट्स शिफ्ट कर रहे है? उसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों एक्सपोनेंट में क्या आएगा? पहले तो हम लिख लेते हैं बच्चों कितने टाइम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम्स शिफ्ट कर रहे हैं तो टेन की पावर में क्या आएगा फाइव माइनस फाइव आएगा क्यों क्योंकि छोटा नंबर है लेफ्ट में राइट में हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं तो टेन की पावर में माइनस फाइव फाइव टाइम्स हम शिफ्ट कर रहे हैं एकदम लास्ट में नहीं ले जा रहे हैं ठीक इसलिए टेन की पावर में माइनस फाइव और लास्ट वाला तो बहुत ईजी है यहाँ नीचे कर देती हूँ वहां पे बहुत हॉच पॉच हो जाएगा ना फिफ्थ वाला जीरो पॉइंट जीरो सेवन है मिलीमीटर अच्छा यहाँ यूनिट लिखना जरूरी है अदरवाइज उसमें भी मार्क्स मार्क कट जाते हैं तो यूनिट आप लिख देना जहां जहाँ आपको यूनिट में यूनिट में दिया है आप यूनिट लिख देना ओके मीटर दिया है मिलीमीटर दिया है जो भी दिया है यहाँ पे देखो जीरो पॉइंट जीरो सेवन मिलीमीटर है तो इसको क्या लिखेंगे सेवन इंटू टेन की पावर कितने डेसिमल शिफ्ट किए यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ टू टाइम शिफ्ट किए तो टेन की पावर में माइनस टू राइट में शिफ्ट ऑब्वियसली है ना मिलीमीटर तो इस तरह से ये इजी क्वेश्चन कर लिया हमने आई होप आपको भी आ, समझ में आ गया होगा आपने भी फिनिश कर लिया होगा फोर्थ वाला देख लेते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है इन स्टैक देर आर फाइव बुक्स ईच हैविंग अ थिकनेस ऑफ मिलीमीटर एंड फाइव पेपर शीट ईच हैविंग अ थिकनेस ऑफ मिलीमीटर वॉट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक हमें क्या बोला है एक स्टैक है मतलब बुक्स का बंडल है वहां पे पांच बुक्स है पांच बुक्स है तो लेट सपोज वन टू थ्री फोर फाइव बुक्स अब हर एक बुक की थिकनेस कितनी है ट्वेंटी चौड़ाई तो एक बुक रखा है दो बुक रखा है तीन बुक रखा है चार बुक रखा है पांच बुक रखा है और हर एक बुक की थिकनेस चौड़ाई कितनी है ट्वेंटी मिलीमीटर है ठीक इनको हटा देते हैं ये पतले हो गए उसके बाद इसके ऊपर पांच पेपर और रखे हैं पेपर शीट्स रखे हैं तो एक पेपर शीट दो पेपर शीट तीन पेपर शीट चार पेपर शीट पांच पेपर पेपर शीट ओके okay? और इन पेपर शीट की थिकनेस कितनी दी हुई है इन पेपर शीट की थिकनेस बहुत ही कम होगी ऑब्वियसली जीरो पॉइंट मिलीमीटर दिया है सबसे पहली चीज चेक करने वाली ये होती है बच्चों की यूनिट जो है वो सेम है कि नहीं तो हाँ यहाँ यूनिट सेम है यहाँ पे भी मिलीमीटर और यहाँ पे भी मिलीमीटर नहीं होती तो हमको सेम करना पड़ता आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है वॉट इज द टोटल थिकनेस इन इसकी पूरे की चौड़ाई कितनी आप देखो एक बुक की थिकनेस यदि ट्वेंटी मिलीमीटर mm है तो पांच बुक की थिकनेस क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई कर देंगे है ना तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे थिकनेस ऑफ़ आर आर ये क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखना देर आर फाइव बुक्स और थिकनेस ऑफ वन बुक थिकनेस ऑफ वन बुक वन बुक इज इक्वल टू कितना दिया है ट्वेंटी मिलीमीटर फोर थिकनेसनेस ऑफ फाइव बुक्स क्या हो जाएंगे एक बुक की इतनी थिकनेस ट्वेंटी मिलीमीटर mm, तो फाइव बुक की थिकनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये क्या हो जाएगा एक एप्पल यदि पांच रुपए में है तो पांच एप्पल कितने की पांच एपल एपल ट्वेंटी फाइव के हुए ना तो हम क्या किए मल्टीप्लाई किए फाइव इंटू फाइव तो वैसे ही एक बुक की थिकनेस यदि ट्वेंटी मिलीमीटर तो फाइव बुक की थिकनेस कितनी हंड्रेड मिलीमीटर ट्वेंटी इंटू फाइव मिलीमीटर इजी है ना इसी तरह से पेपर का भी निकाल लेते हैं तो हमें बुक्स की की टोटल टोटल थिकनेस थिकनेस मिल जाएगी, थिकनेस मिल जाएगी जाएगी पेपर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल थिकनेस ऑफ दी टैक्स मिल जाएगी ठीक इजी क्वेश्चन है है ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देर आर देर आर हाउ मेनी पेपर्स फाइव पेपर फाइव पेपर तो कितना दिया है? मिली की थिकनेस क्या हो जाएगी थिकनेस ऑफ फाइव पेपर शीट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स इन 5 हो जाएगा, है ना जैसे ऊपर किया। देखो और फाइव जीरो अगेन फाइव जीरो आ गया है ना लेकिन देखो डेसिमल कितने नंबर के आगे वन टू और थ्री तो यहाँ पे भी हमें डेसिमल कितने नंबर के आगे नीचे भी डेसिमल कितने नंबर के आगे चाहिए वन टू और थ्री नंबर के आगे है तो यहाँ पे भी आंसर में भी हम डेसिमल तीन नंबर के आगे तो यहां से काउंट करो तो वन टू और थ्री मतलब डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ और डेसिमल के बाद लास्ट में यदि कोई जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चों तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया जीरो पॉइंट जीरो एट मिल जाएगा तो ये हमें क्या मिल गया जीरो पॉइंट जीरो एट मिल गया मिलीमीटर mm. अब दोनों को एड कर देते हैं दोनों को एड करके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा थिकनेस ऑफ द स्टैक तो लिख लेते हैं थिकनेस टैक ये क्या मिल गया हमको ये हमको मिल गया हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट और ये पूरा हमारा मिलीमीटर में आने तो अब यहाँ देखो जब भी हमारा ये हंड्रेड लिखा हंड्रेड के बाद कोई डेसिमल दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ देखो यहाँ इस नंबर में तो डेसिमल है हम क्या करते हैं यहाँ पीछे डेसिमल हंड्रेड के बाद में डेसिमल लगा के दो जीरो लगा देते हैं जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है डेसीमल लगा के हम डबल जीरो लगा सकते हैं क्यों लगा रहे हैं वो भी देखो ये बाद वाला जो नंबर है उसमें डेसीमल के बाद दो नंबर है तो हमेशा जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो डेसीमल के ठीक नीचे डेसिमल आना चाहिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है एक जीरो है एक एट है वो लिख दिया और डेसिमल के आगे एक जीरो है तो ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल और डेसिमल के बाद जो नंबर है उनको डेसिमल के बाद लगते हैं और आगे वाले नंबर को तो आगे लिखते हैं इस तरह से हम ऐड करते हैं इसको ऐसे ऐड नहीं कर देना आपकी ये वन हंड्रेड लिखा और वन जीरो पॉइंट जीरो एट लिखा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा तो ऐसे नहीं करते हैं ठीक जब डेसिमल नहीं दिख रहा है तो हम जबरदस्ती डेसिमल लगा के दो नंबर जितने नंबर्स हैं उतने नंबर्स उतने जीरोस पुट कर देते हैं जैसे यहाँ मैंने किया दो नंबर थे तो दो जीरो पुट कर दिया अब देखो ऐड करते हैं एट प्लस जीरो, एट हो जाएगा, देन, जीरो हो जाएगा, देन अगेन जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही, यहां पे भी जीरो और लास्ट में वन आ जाएगा तो देखो बिल्कुल अलग आंसर आ रहा है यदि आपने गलती से भी इसको ऐसे करके ऐड कर दिया तो बिल्कुल गलत आंसर और आप यू विल बी कंफ्यूज्ड आल्सो कि डेसिमल कहा लगाना भैया

आपको अच्छे से समझ में आ गए तो लाइक जरूर करना चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाले हैं और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए है ना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे